आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। 2000 साल से गन्ने से तैयार चीनी को पसंद किया जा रहा है। चीनी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। इसको बहुत से खानों में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। चीनी के बगैर कोई चाय पीने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन जहाँ चीनी से खुश जायका खाने बनते हैं, वहीं इसके खतरनाक नुकसान भी मौजूद हैं। चीनी को व्हाइट पॉइजन यानी सफेद जहर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि चीनी गन्ने के अलावा चुकंदर से भी बनाई जाती है? गन्ने का ताल्लुक घास की फैमिली से है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले गन्ने की काश्त बहरुल काहिल में हुई थी और उसके बाद यह पौधा पूरे बड़े सगीर में फैल गया। दौरे हाजिर में गन्ने की काश्त सबसे ज्यादा इंडिया में की जाती है, जबकि पाकिस्तान गन्ने की काश्त के लिहाज से दुनिया का पांचवां, जबकि चीनी की पैदावार के हिसाब से 15वां मुल्क है। तो आइए तय करते हैं गन्ने से चीनी तक का सफर। दोस्तों, सबसे पहले गन्ने को खेतों से काट कर शुगर मिल तक लाया जाता है। फिर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए इसे चॉपर नामी मशीन में डाला जाता है, जहां इसके बराबर साइज के टुकड़े किए जाते हैं, ताकि इन्हें निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा रस निकाला जा सके। गन्ने के टुकड़ों को निचोड़ने के लिए एक क्रशर में डाला जाता है, जिसकी बदौलत गन्ने का रस और छिलका अलग हो जाते हैं। शुगर इंडस्ट्री में इस अलग होने वाले छिलके को बगास कहते हैं और ये बगास ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। बगास इतना फायदेमंद ईंधन है कि शुगर इंडस्ट्री की तमाम पावर की जरूरियात को इसी से आसानी पूरा किया जा सकता है। गन्ने के रस और छिलके को अलग करने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, उसे मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस से हासिल होने वाले खाम रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है। प्रोसेस हाउस में गन्ना रस से चीनी के दाने बनने तक का मुकम्मल प्रोसेस तय करता है। सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म किया जाता है। उसमें चूने का मैलूल यानी मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। इस कीमियाई अमल के जरिए गन्ने के रस की तेजाबियत को कम किया जाता है। उसके बाद तकरीबन 104 डिग्री पर गर्म करके क्लेरिफायर में डाला जाता है, जहां रस के अंदर मुख्तलिफ फूड ग्रेड केमिकल डाले जाते हैं, जिनकी बदौलत रस में मौजूद हर तरह के जर्रात नीचे बैठ जाते हैं और साफ रस ऊपर की सतह पर आने लगता है। फिर इससे हासिल होने वाले साफ रस को इवेपोरेटर्स में भाप की मदद से उबाला जाता है, ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए। इस अमले तबखीर की बदौलत रस गाढ़ा होकर शीरा बन जाता है। फिर इस गाढ़े शीरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी के खाम दाने यानी रॉ शुगर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। जब खाम चीनी तैयार हो जाती है तो उसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है। इस खाम चीनी को मिश्री बनाने वाले खरीदते हैं, क्योंकि खाम चीनी केमिकल से पाक होती है। मिश्री बनाने के लिए एक कढ़ाई में खाम चीनी, पानी और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह से उबाला जाता है। कई घंटों तक उबालने के बाद जब ये लेसदार हो जाती है, तो पहले से तैयार दूसरे बर्तन, जिनके ऊपर धागे लगाए जाते हैं, उनमें डाल दिया जाता है और 8 दिनों तक इसको ढांप कर रखा जाता है, ताकि इसको हवा न लग सके। तो दोस्तों, इस तरह तैयार होती है खाम चीनी से मिश्री, जो कि सेहत के लिए भी मुफीद है। और इसे खाम चीनी से पताशे भी बनाए जाते हैं, जिसके लिए एक कढ़ाई में चीनी, पानी और रंगत सफेद करने के लिए बेकिंग सोडा या हाइड्रो पाउडर डालकर अच्छी तरह से पका लिया जाता है और बाद में इसके छोटे छोटे ड्रॉप्स गिराकर पताशे बनाए जाते हैं। चलिए अब फिर से हम शुगर मिल की तरफ लौटते हैं। खाम चीनी को शीरे से अलग करने के लिए एक खास तरह की छलनी से गुजारा जाता है, जहां देसी चीनी और शीरे को अलग अलग किया जाता है। इस शीरे को मोलेसिस कहा जाता है और इस मोलेसिस को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर कई ग्रेड्स की चीनी बनाई जाती है, और आखिर में जो मोलेसिस बचता है, उसे फाइनल मोलेसिस कहते हैं। ये शुगर इंडस्ट्री की एक बाय प्रोडक्ट होती है, जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर रीमेल्ट किया जाता है। इस चीनी के महलूल को लिकर कहते हैं। लिकर में मुख्तलिफ फूड ग्रेड केमिकल डाले जाते हैं, ताकि चीनी की रंगत सफेद हो जाए। फिर इस देसी चीनी को छानकर मुख्तलिफ कसावतों से पाक किया जाता है। हासिल होने वाली सफेद चीनी को गर्म हवा से खुश्क कर लिया जाता है। इस फाइनल चीनी के दानों को मुख्तलिफ साइज की छलनियों से गुजार कर अलग अलग कर लिया जाता है। बारीक और मोटे दाने वाली चीनी को अलग अलग पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह गन्ना चीनी बनने तक का सफर तय करता है। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखते रहे दूरबीनी।